हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई नो आप सब बहुत ज़्यादा 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 अच्छे होंगे और हमें अच्छे रहना भी चाहिए। तो आज का मेकअप लुक मैंने ये रिक्रिएट किया है कियारा आडवाणी का। मुझे ये मेकअप लुक बहुत ही अच्छा लगा, बस थोड़ी सी हेयर स्टाइल मुझे अच्छी नहीं लगी, बट मेकअप लुक इज़ ऑसम। एकदम लाइट कवरेज, एकदम ही क्लासी मेकअप लुक मैंने उनकी तरह बस रिक्रिएट किया है। मैं उनकी तरह बनना नहीं चाहती, बस मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है। आई होप आपको अच्छा लगे। मेकअप कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर आए हो नए तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए मेकअप करते हैं साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेकअप करने से पहले स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है, तो मैंने यहाँ ग्रीन टी का टोनर लिया है। ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट टोनर है और इसके आपकी स्किन एकदम हाइड्रेटेड हो जाएगी और एकदम से आपका ऑयल जितना भी वो सब सोख कर लेगी, आपका ऑयल उतना नहीं रिड्यूस होगा। एंड देन मैंने यहाँ पॉन्ड्स का लाइट वेटेड मॉइस्चराइजर लिए। आपको समर में एकदम लाइट जेल मॉइस्चराइजर ही यूज़ करना चाहिए ताकि आपको स्वेट ना हो और जिसकी वजह से आपका मेकअप ख़राब ना हो। देन मैंने यहाँ ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है, जस्ट लिटिल बिट टाइनी अमाउंट। मैंने जितने भी मेकअप प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ करी उन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप बाय कर सकते हैं। एंड प्राइमर से हमारा बेस बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। प्राइमर को लगाने के एक मिनट बाद ही हमें फाउंडेशन को अप्लाई करना चाहिए। देन मैंने मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन लिया है। ये हाई कवरेज है, मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में फाउंडेशन अप्लाई किया है। मैंने यहाँ कलर करेक्ट की थी बट मैंने बताना भूल गया है, वो वीडियो मुझसे स्किप हो गई है। एंड देन अच्छे से ब्लेंड 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 कर दूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से वेट कर लिए, आप चाहे तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मैंने यहाँ बट ब्यूटी ब्लेंडर ही यूज़ किया है। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद ये फाउंडेशन आपको एकदम हाई कवरेज देता है, बट आप थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे ना तो आपको ये लाइट कवरेज भी प्रोवाइड करेगा। मैंने यहाँ स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है, मेरा सेट है स्टैंड स्टेबल। इसी में बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा अंडर आई एंड जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन है वहाँ वहाँ अप्लाई करके अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। कंसीलर को भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि वो क्रीज ना करे और आपको अच्छा सा हाई कवरेज भी दे। और ये कंसीलर बहुत अच्छा है और इसका प्राइस भी 200 तक है, और अगर आपको ये कंसीलर लेना तो बहुत ही अच्छा कंसीलर है। लैक्मे के लूज पाउडर से अपना पूरा बेस अच्छे से सेट कर लूँगी ताकि मुझे स्वेट ना हो और मेरा फाउंडेशन और कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए। एंड देन मैंने मार्स का पैलेट लिया है, ब्लशर अप्लाई किया है क्योंकि कियारा आडवाणी ने बहुत ही लाइट ब्लशर यूज़ किया था। मैं बहुत ज़्यादा ही ब्लशर नहीं यूज़ करूँगी, जस्ट लिटिल बिट अमाउंट में ही ब्लशर यूज़ करूँगी। एंड पीस सेट लिया, और ये पैलेट की खासियत है इसमें आपको ब्लशर, कॉन्टोर, हाईलाइटर सब मिल जाएगा, तो ये पैलेट ज़रूर बाय कीजिएगा। देन मैंने इसी पहले से कॉन्टोर किया क्योंकि कियारा आडवाणी मैम ने बहुत ही हाई कॉन्टोर किया था, अपने फेस को बहुत ही ज़्यादा कॉन्टोर किया, तो मैंने यहाँ हाई कॉन्टोर करूँगी क्योंकि मुझे कॉन्टोर से बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि फेस को एकदम स्लिम दिखाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे चीक, थोड़ा सा चबी चीक को भी कॉन्टोर किया है, डबल चीक को भी हल्का सा कॉन्टोर किया, और अपने कॉन्टोर को गाल से भी लेके जाऊँगी मैं। देन फॉरहेड को भी मैंने कॉन्टोर अच्छे से कर लिया है। एंड देन मैंने यहाँ छोटा सा स्मॉल ब्रश लेके नोज़ को कॉन्टोर कर लूँगी क्योंकि नोज़ ने भी उन्होंने बहुत ही हाई कॉन्टोर किया था, तो अपने नोज़ को अच्छे से ऊपर से नीचे की तरफ कॉन्टोर करूँगी। अगर आपकी नोज़ थोड़ी सी बड़ी है ना तो आप कॉन्टोर से अपनी नोज़ को स्लिम भी दिखा सकती हैं, तो ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देन मैं मार्स के पैलेट से ही हाईलाइटर लगा लूँगी। मैंने यहाँ गोल्डन पीच लगाया है हाईलाइटर, एंड इससे आपके फेस के आपके मेकअप को चार चांद लग जाएंगे, आपका मेकअप और ज़्यादा शाइन करने लगेगा। तो चीक पे, नोज पे एंड अपर द लिप, फॉरहेड, सब जगह हाईलाइटर लगा लूँगी। अपर द लिप भी लगाई, इससे लिपस्टिक का बहुत ही अच्छा लुक आता है। एंड आईब्रोज़ के पास भी हाईलाइटर लगा क्योंकि मैंने जैसा पिक में देखा है उनके आईब्रोज़ के पास भी हाईलाइटर हुआ था। एंड देन मैं यहाँ अपनी आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी क्योंकि कियारा आडवाणी ने बहुत ही हाई बोल्ड आईब्रोज़ किया था, तो मैंने यहाँ एकदम जेड ब्लैक लिया है। ये है जैकलिन का पैलेट, इससे ही मैं अपने शेडो को, ब्लैक कलर का आई शेडो लेके अपने आईब्रोज़ को अच्छे से फिल करूँगी अपने ही शेप में। थोड़ा सा मेरी आईब्रोज़ पतली है तो मैं थोड़ा सा उसे मोटा करने की कोशिश की है, और एंड देन उनकी आई शेडो भी बहुत ही नेचुरल एंड सिर्फ एक कलर था, तो मैंने यहाँ ब्राउन कलर का आई शेडो लिया है अपने पूरे आई लिड पे एंड क्रीज पे लगा के थोड़ा सा एक बाहर की तरफ एक कट दूंगी क्योंकि उन्होंने ऐसा ही किया था। उनका आई शेडो थोड़ा सा क्रॉस में एकदम तिरछा था,
देन अच्छे से ब्लेंड 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 कर दूंगी। एंड देन इससे मैं अपने आँखों के नीचे भी लगाऊंगी, क्योंकि उन्होंने अपने आँखों के नीचे भी लगाया था यही आई शेडो, और इससे आपकी आँखों का स्मोकी इफेक्ट भी आता है, बहुत ही प्यारा लगता है। देन मैंने ये फ्लफी ब्रश लिया है और बहुत ही अच्छा ब्रश है, आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। एंड देन काजल, उन्होंने काजल अपनी आँखों के ऊपर और आँखें के नीचे दोनों लगाया था, उन्होंने कोई भी लाइनर नहीं यूज़ किया था, उन्होंने कोई भी फॉल्स लेसेस नहीं यूज़ किया था, तो बस काजल लगाया था। काजल से तो वैसे भी आँखें बहुत प्यारी लगती है। देन मैंने यहाँ लैक्मे का काजल यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा काजल है। एंड देन अपने लैसेस को मैं कर्ल कर लूँगी, क्योंकि उन्होंने कोई भी फॉल्स लेसेस नहीं लगाया था, लेकिन उनकी लेसेस बहुत ही अच्छी थी, तो मैं यहाँ मेबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा मस्कारा है, इससे आपकी लेसेस बहुत ही अच्छे से कर्ल हो जाती है एंड बहुत ही अच्छा। देन मैंने मार्स की लिपस्टिक लगाई है, उन्होंने बहुत ही न्यूड शेड लगाया था, एंड एक ब्लैक कलर की बिंदी, और हियर इज माई फाइनल लुक। ओके गाइस, मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको मेकअप अच्छा लगा हो। चैनल पे आए हो नए तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में प्रेस द बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।